पेज नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 5, ट्राई दिस। ये है ट्राइंगल ABC, AM, ये M है, AM परपेंडिकुलर ऑन BC, BM को मैंने Y मान लिया, Y मैंने अपनी तरफ से लिखा है, MC को Z मान लिया, Z अपनी तरफ से लिखा है, X B से C तक का डिस्टेंस है, X भी फाइंड करना है। X तभी फाइंड होगा जब Y और Z फाइंड करोगे, बिकॉज X इज इक्वल टू Y प्लस Z। 37 गिवन था और बीच में 12 सेंटीमीटर साइड गिवन थी। सबसे पहले हम ले लेंगे राइट ट्राइंगल AMB, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 37 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है 12 प्लस बेस स्क्वायर, बेस है y। 37 का स्क्वायर यानी कि 37 की 37 से मल्टीप्लाई 1369 इक्वल टू 12 स्क्वायर, 12 के 12 से मल्टीप्लाई 144 प्लस वाई स्क्वायर। 1369 144 राइट से लेफ्ट में आएगा माइनस 144, दोनों को माइनस कर देंगे 1225 इक्वल टू वाई स्क्वायर। 1225 होता है 35 का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, वाई इक्वल टू 35। अब ये वाई और ये जेड इक्वल होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम है, सेम टू सेम दोनों ट्राइंगल हैं, तो वाई और जेड इक्वल होंगे दोनों 35। और ये जो एक्स है किसके इक्वल होगा? ये वाई प्लस जेड के इक्वल होगा, 35 प्लस 35 एक्स इज इक्वल टू 70। सिक्स्थ पार्ट, पेज नंबर 130। ट्राइंगल ABC में AD परपेंडिकुलर है BC पर। इन राइट ट्राइंगल ABC अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम BC एक हाइपोटेन्यूज है। कैसे? क्योंकि ये एंगल 90 का है, 90 के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया 5 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस हो गया 12 स्क्वायर। BC स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144, BC स्क्वायर इक्वल टू 169 होता है 13 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इन राइट ट्राइंगल ABD, अब ये हम राइट ट्राइंगल ABD ले लेंगे, छोटे वाली ट्राइंगल, इसमें भी लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 5 क्यों है? क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड है। परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर प्लस बेस हो गया BD स्क्वायर, तो 25 इक्वल टू 9 प्लस BD स्क्वायर, 25 माइनस 9 इक्वल टू BD स्क्वायर, 16 इक्वल टू BD स्क्वायर, 4 स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, BD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हमको x फाइंड करना था, तो x फाइंड करने के लिए हमको BC में से BD को कट करना होगा। x इज इक्वल टू BC माइनस BD, 13 माइनस 4 x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर आंसर। तो आज आप ये दो क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व करके लाएंगे। थैंक यू।